रूप अलंकार ज्वेलर्स, गढ़देवी चौक गढ़वा, सोने चांदी के आभूषणों का उत्तम कलेक्शन। गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि राज्य की महागठबंधन सरकार का हर कदम अकल्याणकारी है। श्री तिवारी ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि करीब एक माह पहले अल्प मानदेय पारा शिक्षकों को परियोजना निदेशक ने सीधे उच्च न्यायालय जाने का रास्ता बंद करने का आदेश निर्गत किया था। अब पुनः एक महीने बाद सरकार ने 15 वर्षों से अल्प मानदेय पर कार्यरत पारा शिक्षकों को अप्रशिक्षित होने के नाम पर बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी बनाने से रोकने का आदेश जारी किया है। साथ ही कई महीनों से उनके मानदेय भुगतान पर रोक लगा कर रखा है, जबकि वास्तविकता यह है कि सरकार जिन्हें अप्रशिक्षित पारा शिक्षक समझ रही है वे सभी NIOS दिल्ली से अप्रैल में ही प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। लॉकडाउन के कारण उनका प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाया है। पूर्व विधायक ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार तत्काल अपना तुगलकी फरमान वापस लेते हुए इन सभी पारा शिक्षकों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए पूर्व की भांति सेवा देने व हाजिरी बनाने से न रोकने का पत्र जारी करे, साथ ही इनके कई महीनों से वेतन आदि पर लगे रोक को हटाते हुए भुगतान करे। उन्होंने दूसरा उदाहरण देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना में जो समूह की महिलाएं जरूरतमंद लोगों को खाना बनाकर खिलाने का काम कर रही हैं, राज्य सरकार द्वारा उन महिलाओं के साथ भी धोखाधड़ी करते हुए उन्हें सिर्फ लॉकडाउन 3 की अवधि का ही 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है। उन्होंने राज्य सरकार से दीदी किचन में काम कर रही समूह की सभी महिलाओं को अविलंब लॉकडाउन 1 एवं 2 की अवधि का प्रोत्साहन राशि भी भुगतान करने की मांग की है। श्री तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन फेज 1 एवं 2 में गरीब एवं असहाय को दीदी किचन से 2 टाइम भोजन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वर्तमान में संवेदनहीन सरकार ने असहाय को सिर्फ 1 टाइम भोजन देने का पत्र निर्गत कर असंवेदनशील होने का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन असहायकों के साथ प्रवासी मजदूरों की तरह गंदी राजनीति ना करे। अविलंब 1 टाइम भोजन बंद करने के आदेश को रद्द करते हुए पुनः 2 टाइम भोजन देने की व्यवस्था बहाल करें।